And with this, I would love to invite him on the stage because he's also one of my favorite actors. Please welcome on the stage, Mr. Kurush Debu. Please welcome. एंड इस फिल्म में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी भूमिका निभाई है. कुछ हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि आई थिंक दे आर बिजी इन देयर शूट. बट मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका में आपको ब्रिजेंद्र जी भी नजर आने वाले हैं, शुभांगी जी भी नजर आने वाली है, सुनीता जी भी नजर आने वाली है. सो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इसमें नजर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अहम लोग जिनके बिना मुझे लगता है फिल्म जो है वो अधूरी रहती है, और वो है हमारे. अच्छा कौन है वो, अंकल जी आप बताइए, वरना मेरे लिए थोड़ा डिलेमा हो गया है कि मैं किसका नाम पहले लूं. हमारे निर्माता निर्देशक दोनों ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस फिल्म के लिए, तो प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज. प्रोड्यूसर आदित्य वर्मा एंड आर डायरेक्टर सुदीश कनौजिया. प्लीज वेलकम देम. एंड आदित्य जी को मैं पहले इनवाइट इसलिए करूंगी कि ये सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, इसमें इन्होंने एक्टिंग भी की है. और ये जो थॉट, ये जो कहानी है, सबसे पहले जिनके आई थिंक जहन में आई थी वो ये कहानी 2014 की है. और ये मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ये फिल्म बनाई है. और मेरे ख्याल से आप लोगों के बिना ये फिल्म अधूरी थी. मैंने बहुत 2014 से सोच रखा था कि इस किरदार में इस तरीके के लोग होंगे. सुदीश मिले, सुदीश को मैंने स्टोरी बताई. इवन सारे टाइटल से लेके जो इसमें चरित्र जो निभा रहे हैं वो सारे नाम सेम वही रखे गए हैं. और उसके बाद सुदीश ने इस फिल्म को बनाया, डायरेक्शन दिया, और मेरी मैंने 3-4 बार इस फिल्म को देखा है. तो मुझे लगता है कि यह मीडिया जो बैठी हुई है, मैं उनसे एक निवेदन करूँगा कि आप ही लोग हैं. देखिए मैं इस इंडस्ट्री का नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम इसमें एंट्री की है, और मुझ जैसे लोगों का उत्साह आप ही लोग बढ़ा सकते हैं कि मैं कंटिन्यू फिर से नेक्स्ट फिल्म बनाऊँ. लेकिन इसका सारा दारोमदार आप सभी लोगों के ऊपर है. आप इस मैसेज को, जो इस फिल्म की कहानी है लावारिस लाशों की, लेकिन ये लावारिस लाशें अपने ही लोग जो अंतिम समय में अपनों के पास नहीं रहते हैं, उनके साथ रहता है लावास्ते. आप जब फिल्म देखेंगे, मैं स्टोरी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये आपके दिल को छूने वाली कहानी है, जन जन तक पहुँचने वाली कहानी है. हो सकता है इस कहानी के बाद से इस तरीके की जो घटनाएं समाज में हो रही हैं वो रुक जाए. तो आप सभी हाथ जोड़ के, आप सभी मीडिया बंधुओं से, मेरा मतलब हृदय से, क्योंकि मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी इसमें लगाई है, मैंने अपना समय लगाया है. और आप समझ सकते हैं एक फिल्म बनाना, करीब करीब 250 थिएटर में हम लोग प्लान कर रहे हैं रिलीज का. तो हृदय से मेरा मतलब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जन जन तक अपने माध्यम से, मीडिया में बहुत ताकत होती है, आप चाहें तो उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, चाहें तो वहीं रोक दें. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ. मैं चाहता हूँ कि सुदीश कनौजिया और रोहन, सो वेरी टैलेंटेड, वेरी यंग. मेरे पापा कह रहे थे इनको देखे कि ये लड़के ने फिल्म बना ली, तो मैंने बोला भाई ये लड़का बहुत टैलेंट है. सुदीश जी को मैं काफी लंबे टाइम से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जानते हुए कि इन्होंने इतनी बड़ी फिल्म जो है वो हमारी आंखों के सामने बना कर रखी है. आई फील रियली प्राउड ऑफ यू बीइंग योर फ्रेंड. आई फील रियली प्राउड ऑफ यू एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू. हाउ वाज योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड आपने सोचा कि ये मैं बनाऊंगा? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए. और इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि फिल्म कैसे शुरू हुई, मैं ये बताऊँ कि शुरू हो गई है, खत्म कहाँ होगी. खत्म होगी इन लोगों के साथ में जो मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं ना. मुझे लगता है कि आप, मैं उनसे बोल भी रहा था कि हमारी फिल्म में सबसे बड़ा किरदार जिसका होना था हो चुका, अब किसका होगा, वो मीडिया का होगा. तो मुझे लगता है कि मीडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है इस फिल्म के लिए. अलग कॉन्सेप्ट है, हम लोग जब जाते भी थे तो बहुत लोग मिलते थे कि यार ये कैसी कहानी पर फिल्म बना रहे हो, थोड़ा सा कहानी में ये डालो, थोड़ा ऐसा डालो. बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये. तो उसको बनाने के लिए जो लोग अभी यहाँ खड़े हुए हैं ना, ये बहुत, इन सबको एक्चुअली मुझे लगता है जाता है क्रेडिट, क्योंकि लोग नहीं जुड़ते ऐसी कहानी के साथ में. तो अब मैं बताता हूँ कि फिल्म शुरू कैसे. बेसिकली हमारे मित्र हैं आदित्य वर्मा जी, इनका एक कॉन्सेप्ट था, 2014 में इन्होंने एक कहानी लिखी थी. तो फिर इनकी तलाश पूरी हुई 1 साल पहले जब ये हमसे मिले, तो वहाँ पर फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट सुनाया, हमने फिर उसको डेवलप किया स्टोरी में. फिर हमारी टीम है, हमारे विकास गिरी, ही इज ऑल्सो राइटर, एंड हमारे एक और मित्र हैं अनुराग चतुर्वेदी जी, वो है नहीं, विकास गिरी एक्टर भी हैं. तो मैं चाहूंगा आप आइएगा, प्लीज आइएगा. और फिल्म मनाली, फिल्म बनाने के बाद में
उसको रिलीज करना ये बहुत सारी चीज बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसको पूरा करने में अगर किसी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो हमारे बीच बैठे हमारे मित्र हैं, को प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रोहनदीप सिंह बड़े भाई की तरह आइएगा, आइए आइए प्लीज आइए 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 आइए। हमें और ही फिल्म बनानी है, इज ए को प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। Yes, yes, yeah. From Jumping Tomato, right? Jumping Tomato. एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए। तो बाकी मुझे लगता है कि आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि फिल्म किसके ऊपर है। मैं बस बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बोलूंगा कि फिल्म जो है, फिल्म जो है वो किसकी कहानी है। फिल्म लावारिश लाशों की कहानी है। लावारिश लाश को हम बहुत अलग तरह से बोल सकते हैं और ये आइडिया ऑफकोर्स आदित्य जी को 2014 में आया था, लेकिन इसको बनाने की जो ताकत है वो आप इंस्पिरेशन कहीं किससे लेते हैं? तो मैं किनसे ले रहा हूँ मैं उनको बताना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इकबाल ममदानी जी, आप आइएगा प्लीज और इनके लिए जोरदार तालियां आइएगा सर। ये तालियों की जो आवाज है ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आज सभी ये सोच रहे होंगे इकबाल जी कौन है। तो कम क्लोज, ओंकार जी आपको खड़ा कर दे इनके साथ में एक बार। इकबाल जी सर आइए ना प्लीज आप। ये रियल वर्जन, ये असली हीरो हैं, ये रियल वर्जन है, ये असली हीरो हैं। यस, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इकबाल जी आप खुद अपने बारे में बताएं कि क्या है, कैसे फिल्म से क्या संबंध है और आप क्या करते हैं। आप जो करते हैं उसी से ही इंस्पायर होकर हमने फिल्म बनाई है जी। तो मैं चाहूंगा सर आप बोलिएगा। आपके लिए कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बिकॉज इनके बारे में बहुत सुन चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, बहुत सारी बातें काफी सारे मेंबर्स से सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी कि ये बहुत मुश्किल काम है और मुझे नहीं समझ में आता है कि ये आपके दिल में आपके जहन में कहां से आया कि मैं शुरू करूं, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, कोई इन बातों के बारे में नहीं सोचता है। सो आपने कैसे सोचा, ये आपके दिमाग में आपके जहन में कब आया? गुड इवनिंग सपना जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदि प्रोडक्शन का धन्यवाद करूंगा और स्टेज पे जितने आर्टिस्ट है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर इन्हें हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कई अलग अलग शहरों के अंदर लोग जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वाकई में ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। इस टीम को अभी से शुभकामनाएं देता हूं मैं और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ा बिजनेस करेगी और एक बहुत बड़ा मैसेज भी पहुंचाएगी समाज तक। देखिए हमने इस काम की शुरुआत की कोविड के अंदर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब इस तरह के हालात हो गए थे कि अपने जो है अपनों को मिलने को तैयार नहीं थे। तब हमें पता लगा कि अचानक जो डेथ हो रही है उसको लेने वाला कोई आ नहीं रहा हो, तो हमने कहीं दोस्तों ने सोचा कि इस काम को शुरू किया जाए, जाकर के अस्पतालों में किसी की मदद की जाए। तो हम कुछ 4-5 लोगों की टीम बना करके पहले जो लोग थे उनके पास पहुंचे तो कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोग परिवार के आ नहीं रहे थे। हमने धीरे धीरे उनको ये आश्वासन दिया कि आपको जो मदद चाहिए हम करेंगे, लेकिन वो इतने घबराए हुए थे कि उनको ये डर था कि शायद अगर हम किसी अपनों की बॉडी को भी छूते हैं तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, जिसको लेकर के वो अपनों की बॉडीज को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। हमने उस तरीके से एक टीम के तौर पर काम शुरू किया। धीरे धीरे करते हुए हमारे जो अपने दोस्त थे वो भी इतने डरे हुए थे कि मैं आपको बताऊं कि वो कहीं भी हमको न मिलने को तैयार थे, ना हमसे बात करने को तैयार थे। उनको लगता था कि बस ये 2-4 दिनों के अंदर ये लोग मर जाएंगे। तो इस तरीके से ये सफर शुरू हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए आती थी वो एम्बुलेंसेस की आती थी, क्योंकि एम्बुलेंसेस जो है वो मौजूद नहीं थी। प्राइवेट सारी एम्बुलेंसेस बंद हो चुकी थी और जो सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंसेस थी बस वही चलती थी। दूसरा, शमशान के अंदर जो ट्रेडिशनल तरीके से हम अग्नि देते हैं वहां उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। जो गैस या इलेक्ट्रिकल चैम्बर्स होते थे उसी के अंदर बॉडीज को क्रिमेट किया जाता था और शुरुआत में शमशान के अंदर काफी कम ऐसे शमशान थे जहां पर इस तरह की सुविधाएं मौजूद थी और उसके अंदर भी 8 या 10 बॉडीज जो थी वो पूरी तरीके से एक दिन में एक मशीन में ली जाती थी, नाइट के अंदर फिर वो दूसरी मशीन चालू होती थी। तो हमारे लिए चुनौतियां बहुत बड़ी थी उस वक्त। तब हमने एक टीम बना करके इस काम को शुरू किया।
तकरीबन 2000 से ज्यादा डेड बॉडीज कोविड के अंदर हमने सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों का जो है अंतिम संस्कार कराया। और मैं इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा जो मेरी टीम बैठी है, ये वाकई में उन्हीं की तारीफ मैं करूंगा कि उनका अगर मुझे साथ नहीं मिलता तो आज जो हम कर रहे हैं ना उस वक्त कर पाते ना आज कर पाते। कोविड के बाद में हमने एक चीज सोचा कि कोविड के बाद जो बॉडीज है लोग फिर इस डर से बाहर निकले अपने के साथ वो अपने अंतिम यात्रा में शामिल होने लगे, लेकिन हमने देखा अस्पताल में ऐसी कई बॉडीज है जिसका कोई क्लेमर नहीं है। तो हमने पूछा कि ये बॉडी काफी एक लंबे समय से पड़ी है, तो हमें पता लगा कि ये लावारिश बॉडी होती है जिसका क्लेमर नहीं होता है, जिसकी कोई पहचान नहीं होती है, जिसका कोई परिचय नहीं होता है, वो बॉडीज वहां होती है। पुलिस जो है उसके अपने परिजनों को ढूंढती है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती है तो एक लंबे समय के बाद उसका अंतिम संस्कार करती। फिर हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक परिवार का हिस्सा बनकर के हम इसका अंतिम संस्कार कराए। अब मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस जितनी है मुंबई से रिलेटेड उन सब की बॉडीज हमारी टीम के पास आती है। तकरीबन महीने में 100-125 बॉडीज हमारे पास हर धर्म की आती है, जिसका उनके मजहब के हिसाब से हम रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। ये हमारी टीम को ये सारा क्रेडिट जाता है। आज भी जो वो बॉडीज है कई महीनों की रखी हुई होती है, आम आदमी जो है वहां खड़े नहीं हो सकता है, वो हमारी टीम उसे लेती है एम्बुलेंसेस के अंदर रख करके शमशान या कब्रिस्तान तक पहुंचाना, उसका लाइफ राइड कराना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेबल काम होता है। इसलिए मैं इस फिल्म को इसके पूरे टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही हमारी टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि वो आज भी इस काम के अंदर अपने पैसे लगा करके अपना वक्त लगा करके ये काम कर रही है। थैंक यू, एंड बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, बहुत ही सेंसिटिव चीज है ये। मैं आपसे ये एक बार फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी यही सवाल कि आपने पहली बार ये जब आपने फेस किया वो फर्स्ट टाइम कब था? मैंने बताया कि कोविड के अंदर हमने ये काम शुरू किया, और शुरू करने की जो सबसे बड़ी वजह हमें नजर आई थी कि लोग इतना डरे हुए थे कि अपनों की बॉडीज लेने वो नहीं आ रहे थे, और हमें ये डर होने लगा कि अगर बॉडीज का अंबार लगना शुरू हो गया अस्पतालों में तो जो महामारी फैलेगी वो कोविड से भी बड़ी खतरनाक होगी, जो लोग शायद उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे। इन चीजों को लेकर के कुछ हमारे दोस्त है जो हमारे शुरुआती दौर के अंदर हमारे एडवोकेट इरफान सलीम पारेख, सोहेल शेख वगैरह लोगों ने मिलकर के हमने काम शुरू किया। उसके बाद हमारी अभी जो टीम साथ में बैठी है आप देख सकते हैं कि वो पूरी टीम यहाँ मौजूद है, वो आज भी इस काम को अंजाम दे रही है, अपने पैसों से खर्च करके लगातार अपना वक्त देती है, और हमारी टीम आज भी ये काम करती है। कोविड की वो पहली शुरुआत थी जब हमने इस काम को शुरू किया था। सपना जी क्या बात है, बहुत ही, कहाँ है आपकी टीम? मैं बुलाना चाहूंगा बसंत भाई को, आनंद जी को, अशफाक भाई को, हुसैन साहब को। एंड हमारे हर धर्म में, धर्म हो कोई भी रिलीजन हो, उसमें लास्ट राइट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, और उसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो हम लोग पूरे करते हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये पूरी टीम काम करती है। मैं परिचय करा दूं सबको, ये बसंत जी है, वैसे वास्तु शास्त्र भी है और इनका अपना बिजनेस भी है। आनंद जी पेशे से हमारे पत्रकार हैं, अशफाक भाई है बिजनेसमैन है और खुद इन चीजों को लगे हुए हैं, साथ ही साथ हमारे हुसैन भाई है वो भी बिजनेसमैन है। साथ ही इनका एक काम बहुत अच्छा है कि कई ऐसे गरीबों के घर है जो रोड साइड में कटिंग्स में जो अपात्र घोषित कर दिए गए थे, ऐसे तकरीबन 400 से ज्यादा फैमिलीज है मैं जानता हूं जिनके घर इन्होंने अपने लड़ाई करके दिलाए हैं सरकार से। क्या बात, दोनों ही टीम मुझे यहां पे नजर आ रही है, जो स्क्रीन पे थी वो भी और जो रियल लाइफ में है वो भी, तो दोनों ही टीम्स को बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, और हम सभी पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है हम उसे थिएटर में जरूर देखने जाएंगे और उसे अप्रिशिएट करेंगे, और बहुत सारे हमारे उन सभी फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को दिखा सकते हैं ना, बाय द वे दिखा सकते हैं, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन फिर भी अभी मतलब हम लोगों को इस बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो आप सभी को दिखाएं। और मेरी सबसे सिर्फ यही एक दरख्वास्त है कि ये मैसेज जो है, जो हम पूरी टीम के जरिए यहाँ पर आप सबको देना चाहते हैं, वो आप सब तक एक सही अंदाज में पहुंचे। सो एक बार जोरदार तालियां दोनों ही टीम के लिए, बहुत बहुत बधाई। एंड डायरेक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा जी। इकबाल जी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं इनके साथ जब बैठा था, डिस्कस कर रहा था, इन्होंने अपने इंसिडेंट बताया,
तो इन्होंने में कुछ ऐसे फोटोज दिखाए डेड बॉडीज के, आप 2 किलो की डेड बॉडी आप समझ सकते हो ना, तो 2-2 किलो की 3-3 किलो की डेड बॉडीज उनको मतलब पुलिस वाले लेने से मना कर देते हैं, हॉस्पिटल्स मना कर देता है उनको ले जाके उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। हालांकि ऑफकोर्स कोविड के बाद इनको इंस्पिरेशन मिली करने के लिए, लेकिन वो अब चल रहा है और उन्होंने उनसे बोला है कि मैं हमेशा करता रहूंगा और इनको ऐसा कोई बहुत गवर्नमेंट बॉडी सपोर्ट है नहीं, खुद ही करते हैं अपने रिसोर्सेज से, इनकी टीम है, इनकी टीम बहुत अच्छी है, लगी हुई है अपने रिसोर्सेज से, तो इनके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। बाल भाई के लिए एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जब ये कोविड के दौरान इनकी वाइफ को कोविड हुआ और उस दौरान उनका देहांत हो गया, मतलब ये बहुत फिर भी हिम्मत इन्होंने नहीं छोड़ी और आज भी इस दौर को इन्होंने चालू रखा है, ये कम बात नहीं। हम साथ जुड़े हैं ठीक है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये मतलब शब्द कम होंगे बोलने के लिए जो ये कर रहे हैं। ये जज्बा जो होता है वो खुद से अंदर से आना चाहिए और आप सब इनका साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे काम है हम अकेले नहीं कर सकते, एक टीम की जरूरत होती है और एक ऐसी टीम जो अटूट हो, जिसको कोई तोड़ ना पाए और जिसकी जिसका थॉट जिसकी मेंटालिटी आपके थॉट से मैच करे, और आई थिंक ऐसी टीम यहाँ पे मौजूद है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। और जितनी भी डेड बॉडीज को आपने यहाँ उनका दाह संस्कार किया है वो सब आपको ऊपर से बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, सो एक बार जोरदार तालियां दोनों टीम्स के लिए। एंड आई वांट टू थैंक रोहन सर एज वेल, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से ये फिल्म सिनेमाघरों में लगेगी, सब तक पहुंचेगी। सो आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं इस फिल्म को लूंगा और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, को प्रोड्यूस करूंगा? एक्चुअली मैं तो कई सालों से बहुत सारी फिल्में बना चुका हूँ, सिद्धेश छोटे भाई की तरह है मेरे, और एक लड़का है यहाँ पे करण बैठा हुआ है सामने, ये भाई है मेरा, तो क्लोज फ्रेंड है हम सब, इसने बोला भाई मैंने पिक्चर बनाई है ऐसा ऐसा है, तो मेरा इसको पता है कि खुद की बहुत सारी फिल्मों का लाइनअप है, तो मैंने यार कंटेंट देखा, कंटेंट बहुत माइंड ब्लोइंग था, मतलब मेरी फिल्म आप देखोगे भी तो मैं कंटेंट भी सिनेमा ही बनाता हूँ, तो मैंने यार सुपर मूवी है, इसको थोड़ा प्लानिंग से करते हैं, अच्छे से करते हैं, और अभी इसका जब टीजर का रिस्पॉन्स भी बहुत सुपर है और आप मतलब जो मैंने प्लान किया था उससे दुगना ही हो रहा है, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आदित्य भाई को आज रात में बैठूंगा उनके साथ कि इसकी प्लानिंग अभी और बड़ी करते हैं, क्योंकि इसके ना जो फीडबैक ऑल ओवर इंडिया से मुझे मिलता है, मैं खुद एग्जीबिटर भी हूँ सिनेमा भी चलाता हूँ, तो वो जो फीडबैक है बहुत एडवांस है, मतलब अभी मैं आप 26 तारीख को देखोगे तो पिक्चर का सुपर रिस्पांस है, टेलर सुपर है, पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत फिल्में की है, बड़ी बड़ी की है, सबके साथ की है, शाहरुख भाई के साथ रईस की है, सब फिल्में की है मैंने, बट ये पिक्चर कुछ अलग है, और मैं मतलब मुझे बहुत बिलीव है इस मूवी में, मतलब मुझे इतना बिलीव है, मैं आदित्य भाई से ज्यादा बिलीव हूँ, जिन्होंने प्रोड्यूसर से ज्यादा, मैंने उनको बोला पिक्चर सुपर है, टेंशन मत लो, थैंक यू सो मच। आदित्य जी आज खुश हो गए, टेंशन मत लीजिए आदित्य जी, आपने जो जो काम किया है बहुत अच्छा किया। आदित्य जी थोड़े टेंशन में लग रहे थे मुझे। नहीं, टेंशन में नहीं हूँ, अगर मीडिया मुझे आज एश्योरिटी दे दे कि हाँ हम आपके साथ हैं तो मेरा तनाव मीडिया पे साथ में सर यार प्लीज एक बार मीडिया के पास ही जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मीडिया साथ में ही है, वो बोलकर भी साथ में है, नहीं बोलकर भी साथ में ही है। और एक बात देखिए, आजकल कंटेंट स्टार होता है, सब्सटेंस स्टार होता है, एब्सोल्युटली, तो ये फिल्म सबसे ऊंचा स्टार है, इस फिल्म का कंटेंट, यहाँ रियल लाइफ है और यहाँ रियल लाइफ है, तो आप ही हैं, और मैं दर्शकों से माध्यम के द्वारा आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसी फिल्मों को सराहे और हरेक को कहिए कि लावस्त देखें और माँ बाप और बच्चे साथ में बैठ के देखें। थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट्स इट। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे कलाकार और बैठे हुए हैं, गुलशन पांडे जी, गुलशन पांडे जी प्लीज आइएगा, आ गए सर, सर का नाम मैंने लिया था बट आई थिंक दैट टाइम ही वाजंट देयर राइट टाइम, आपने नहीं लिया था, नहीं लिया, अरे एक बार जोरदार तालियां हो जाए गुलशन पांडे जी, सर यू आर वन ऑफ माई फेवरेट कॉप, थैंक यू सर, थैंक यू गुलशन सर, इनकी भी तारीफ मैंने कर दी है, सबकी तारीफ में कर रही हूँ जी जी, आज सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा नाम विकास गिरी है और सुधीश मेरे अच्छे मित्र हैं,
तो इन्होंने जो कहानी सुनाई, हालांकि मैं कॉमेडी लिखता हूँ, अभी जानते जा रही क्या ड्रीम गर्ल 2 आ रहा है और ये फिल्म अभी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, माइनर डायलॉग लिख दो, मैं कॉमेडी लिखता हूँ, अलग था एक्टिंग बहुत अच्छी की है। हाँ मतलब ऐसा ही उन लोगों ने बताया मेरे को, अपन कॉमेडियन इतनी करते तो मैं सबसे मतलब सेंटी हूँ बहुत, और पहली फिल्म मेरी ऐसे ना एज एन डायलॉग एक्टर, तो बड़ा इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, गुरु लोग हैं, तो मतलब मैं बस आदि प्रोडक्शन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा पेमेंट टाइम पे किया। और दूसरी बात यह है, बहुत अच्छी फिल्म है, कई बार मरने का मन करता होता है कि ये लोग संभाल लेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मेरी बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में आ रही है एज ए राइटर भी, और छोटा मोटा करता रहता हूँ एक्टिंग शौक पे, तो बस सपोर्ट करें सब लोग। धन्यवाद करता हूँ हमारे रोहन सर का कि फिल्म यहाँ तक लेके आ गए हैं, आदित्य वर्मा जी जिन्होंने ये फिल्म की पहल की, सुधीश भाई बड़े डायरेक्टर बन गए, तुम पार्टी दो थैंक यू सो मच। एंड आई नो कि हम थोड़ा सा बस लेट हो रहे हैं, लेकिन सर माइक थोड़ा सा पास करते हैं आप प्लीज सर को, मनोज सर से मैं, हाँ जी आई नो आप यू आर गेटिंग लेट, बट लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप क्या कहना चाहेंगे फाइनल लोड पर सबके लिए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, इस फिल्म को फिल्म में काम करते वक्त उसकी इतना विषय सीरियस होने के बावजूद भी उसकी ह्यूमर जो है राइटर ने लिखी हुई वो हमने निकालने की कोशिश भी की है, थोड़ी सी कहीं ब्लैक ह्यूमर है, कहीं तिरछी ह्यूमर है, बट है क्योंकि मतलब डायरेक्टर सुधीश के साथ तो पहली बार काम किया, उसने भी पहली बार फिल्म डायरेक्ट की और मैं तो पहली बार, लेकिन जिस तरह से उसने कहानी मुझे सुनाई पहली बार ही मैं दिमाग में मेरे वो अटक गई और मैं फिल्म करने के लिए राजी हो गया, और बहुत अच्छा रहा, माहौल अच्छा रहा, और ये तो हमारे डॉक्टर साहब हैं बेसिकली, ही इज अ डॉक्टर, और डॉक्टर ही सोच सकता है इस प्रकार की फिल्म करना कि जो बिगड़ा हुआ समाज का स्वास्थ्य है वो सुधारे, करेक्ट है। थैंक यू, और मैं पुनः एक बार फिर से एक बार दर्शकों से माध्यम के द्वारा आह्वान करना चाहूंगा कि फिल्म जरूर देखें और इस विषय के लिए देखें, जो हम सब इस विषय से शायद पर्सनली ना गुजरे हो, कुछ लोग गुजरे हो, लेकिन कुछ लोग देख के तो जरूर गुजरे हैं 100%। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दिनकर भाई, आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और अद्भुत काम कर रहे हैं आप, बस बस भगवान ऊपर वाला आपको बहुत बहुत सलामत रखे सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लोगों को और बहुत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लव अस्ते, थैंक यू, लव अस्ते।